देखिए, बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात है रजा जी। हमारे यहाँ जी एक कहावत कही जाती है कि पानी में की गई गंदगी कभी ना कभी ऊपर आती है। जी जी तो जी यही अरविंद केजरीवाल जी, शीला दीक्षित पर, जो कि इतनी ईमानदार और दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली महिला पर इतने आक्षेप लगाकर राजनीति किए, और बहुत सारे कहते थे इनके पास ये फाइल रखी है, वो फाइल रखी है, आज तक ढूंढे वो फाइल नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री भले बन गए, तो आप एक बात आप समझिए, यही आरोपों की राजनीति करके अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के शासन में बैठे हैं। अब आ जाते हैं इनके बड़े भाई भाजपा के ऊपर। अभी हमारे साथी ने, भाजपा के साथी ने कहा कि नियमों को बदल दिया गया किसी जो है कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जी तो जी उनकी जांच होनी चाहिए। भाई यही जांच तो हम मांग कर रहे हैं अडानी के लिए। आपने एयरपोर्ट देने के लिए नियम बदले हैं, जी मोदी जी ने अपनी रिश्तेदारी निभाई है, रिश्तेदारी निभाने के लिए जो है नियम बदले हैं, तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया की जांच हो सकती है, तो मोदी जी की और अडानी जी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? एक बात आप रजा जी समझिए, जी ये वो मायावी लोग हैं जो खुद ही सर्टिफिकेट अपने आप में ले लेते हैं। मतलब खुद ही भ्रष्टाचार करेंगे और खुद ही सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। आज तक जितने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किसी में इन्होंने जांच नहीं कराई है। जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राफेल का मसला आया, जांच नहीं कराई। इनके बहुत सारे मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच नहीं कराई। उत्तर प्रदेश में मैं घोटालों की श्रृंखला ले ले रहा हूँ, 69,000 शिक्षक घोटाला, कोई जांच नहीं। पीडब्ल्यूडी घोटाला, कोई जांच नहीं। स्कूल में जूता मोजा घोटाला, कोई जांच नहीं। पंचायती राज घोटाला, कोई जांच नहीं। डीएचएफएल घोटाला, कोई जांच नहीं। होमगार्ड घोटाला, कोई जांच नहीं। पशुपालन विभाग घोटाला, कोई जांच नहीं। बिजली विभाग के, और सुनिए बड़ी विडंबना, और एक चीज समझिए, बड़ी होशियारी से करते क्या है। अभी उत्तर प्रदेश में श्रीकांत शर्मा जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री थे, इनको मंत्री तक नहीं बनाया। अब 5 साल इनको छोड़ दिया, 5 साल बाद ये फिर अरे भाई, आएंगे। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं आप, इतिहास को लेकर? अरे मैं कह रहा हूँ आप सेपरेट डिबेट कर लेंगे, आज मनीष सिसोदिया पे डिबेट हो रहा है, ये क्या डिबेट है? ये क्या डिबेट है? मतलब आप कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी भूल जरूर, कुछ भी कहीं का भी बोल रहे हैं, ये तो कोई मतलब आपने थोड़ी जिस ना, सिद्धांत की ये बात कोई की, चर्चा, ये सहराबाद कोई चर्चा की, थोड़ी सा, उसी ये कोई सिद्धांत चर्चा। की हम अरे बात मैं कह की। रहा हूँ आज आपने मनीष सिसोदिया के कहा पे आपसे कि अगर बात कर नियम रहा हूँ बदले मैं। गए तो जांच होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट देने के लिए नियम बदले गए। कहिए मैं बता दूं कौन कौन से नियम बदले गए। एयरपोर्ट में था कि वो एयरपोर्ट वही चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी जिसके पास पूर्व में अरे उसका अनुभव भाई, होगा, आपको उसको पता ही मोदी नहीं जी ने डिबेट बदला किस टॉपिक पे उसका। है। अच्छा, मतलब आप करिए तो लीला, दूसरा करे तो रस लीला, मतलब गजब की बात है। क्या बात है? अरे लीलाधारी महाराज, लोगों आपसे ज्यादा लुटेरा तो कोई है ही नहीं है। आप पूरे देश को लूट ले रहे हो और उसके बाद ईमानदार भी बने फिर रहे हो। सही सीधे सीधे तो डकैती डाल रहे हो, सारी सार्वजनिक कंपनियों को बेचकर जो अपने एक रिश्तेदार को दे दे रहे हो।